अब तक हमने देखा गूगल, अडोबी और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ 8 ऐसे यूएस बेस्ड टेक जाइंट्स हैं जिनको इंडियन ओरिजिन के लोग लीड कर रहे हैं। लेकिन इन टॉप पोजीशंस पर पहुंचे इंडियंस में कुछ बातें कॉमन है। जैसे पहली तो बात यह कि ये सभी IITian हैं, दूसरी बात यह कि ये सभी अनरिजर्व कैटेगरी से IITs में सेलेक्टेड है। जी, अनरिजर्व कैटेगरी से। हाल ही में ट्विटर ने पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया CEO अपॉइंट किया। IIT मुंबई के अलुमनाई प्राग के ट्विटर का CEO बनते ही लोग IIT में डिप्रेस क्लासेस को मिलने वाले आरक्षण के विरोध में और पक्ष में अपनी बात लिखने लगे। लेकिन मुझे लगा जब सब लोग IITs में मिलने वाले रिजर्वेशन के पक्ष और विपक्ष में बात कर ही रहे हैं तो मुझे अनरिजर्व कैटेगरी पर बात करनी चाहिए। तो आज बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी पर, साथ में ढूंढेंगे कुछ सवालों के जवाब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 1969 में 13,000 लोगों ने IIT का एंट्रेंस एग्जाम दिया। 2011 आते थे IIT का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या लगभग 5 लाख हो गई और इन 5 लाख के 3% से भी कम कैंडिडेट का IIT में सिलेक्शन हुआ। यह अच्छा है कि इस देश में 5 लाख लोग, 5 लाख बच्चे IIT का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इस देश ने इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि एग्जाम देने वाले बच्चों का खाली 3% ही IIT में सिलेक्शन ले पा रहा है। अब जब IIT के एंट्रेंस एग्जाम में रिजर्वेशन दिया जाता है तो एक वर्ग रोना धोना शुरू कर देता है। वो कह रहे हैं कि IIT में एंट्रेंस के लिए लगने वाला एग्जाम अपने आप में इतना अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो फिर रिजर्वेशन देकर उस पैमाने को खराब क्यों किया जा रहा है। ये सवाल अच्छा है क्योंकि जब लगभग मेरिटोरियस कैंडिडेट सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो रिजर्वेशन की नीड क्या है। आगे इस वीडियो में इस सो कॉल्ड मेरिट को परत दर परत उधेड़ा जाएगा। एग्जाम में वंचित वर्ग को मिले रिजर्वेशन का विरोध करते हुए एक तबका कह रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी की तरह सभी सीट्स पर रिजर्वेशन खत्म करके ओपन कंपटीशन करवाया जाए, जो मेरिटोरियस होगा वो सिलेक्शन ले लेगा। ऊपर ऊपर से ये बात न्याय संगत मालूम पड़ती है। रिजर्वेशन का विरोध करने वाले लोगों के हिसाब से सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी ही जस्टिफाइड है, न्याय संगत है। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। यहाँ से आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने। ई मुरलीधरन नाम के एक साथी ने RTE लगाकर IIT मद्रास में पढ़ रहे स्टूडेंट्स का डेटा मांगा। वहां से मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो EWS लगाए जाने से पहले 50.5% सीट्स थी वो लगभग सीट्स अपर कास्ट के स्टूडेंट्स के द्वारा भरी गई थी। जैसे IIT मद्रास में 2018 में BTEC के लिए 498 सीट्स थी, जिसमें आधे से ज्यादा सीट्स यानी 456 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए छोड़ी गई थी, यानी ये सीट्स ओपन थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन 256 सीट्स को ये बोलकर ओपन छोड़ा गया था कि उन सीट्स पर कोई भी एडमिशन ले सकता है, वहाँ एडमिशन 255 कैंडिडेट्स अपर कास्ट के लेते हैं। यहाँ बची हुई एक सीट OBC से आने वाले बच्चे ने भरी। IIT मद्रास में ड्यूअल डिग्री कोर्सेज में 176 सीट्स ओपन थी, ये सभी ओपन सीट्स अपर कास्ट से आने वाले बच्चों के द्वारा भरी गई। वहीं यहाँ MTech कोर्सेज में 292 सीट्स ओपन कैटेगरी के लिए रखी गई थी। इन 292 सीट्स में से 275 सीट्स अपर कास्ट के कैंडिडेट के द्वारा भरी गई। बचे हुए 17 सीट्स में एक कैंडिडेट SC का है और 16 अदर बैकवर्ड क्लासेस के। यहाँ PhD के लिए 1240 सीट्स हैं। इन 1240 सीट्स में से 2018 में 1215 सीट्स अपर कास्ट के बच्चों के द्वारा भरी गई। ये तो था 2018 का डेटा। अब अगर हम 2017 के डेटा पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें सेम टू सेम पैटर्न नजर आएगा। यानी ओवरऑल अनरिजर्व कैटेगरी की 99% सीट्स रिजर्वेशन का विरोध करने वाले लोगों के बच्चों के द्वारा भरी जा रही है। अब सवाल आरक्षण विरोधियों से और मेरिट की बीन बजा रहे सांपों से। तो क्या साथियों, ये मान लिया जाए कि जो सवर्ण जातियों के अलावा बाकी सभी जातियों से आने वाले कैंडिडेट्स है उनमें कोई दिमाग नहीं होता? आपको मैं बता दूं, 2017 में IIT में एडमिशन लेने वाले टोटल बच्चों में केवल 8% महिलाओं को एडमिशन मिला। तो क्या ये मान लिया जाए कि लड़कियों में दिमाग की कमी होती है? तो क्या अपर कास्ट के लड़कों के जेनेटिक्स में कोई अंग विशेष होता है जो उन्हें बेटर इंजीनियर बनाता है? तो क्या बाबा तुलसीदास ने ठीक कहा था कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़न की अधिकारी? IITs में एडमिशन का डेटा तो यही कह रहा है और आरक्षण का विरोध करने वाले लोगों की मनसा भी कुछ ऐसी नजर आ रही है। IIT की मेरिट का सीक्रेट है IIT एडमिशन के लिए लगने वाला IIT JEE एंट्रेंस एग्जाम। ये एक ऐसा हार्ड एग्जाम है जिसकी तैयारी बच्चे के पेरेंट्स बच्चे को ABC सिखाने से पहले 1, 2, 3 सिखा कर शुरू कर देते हैं। इस एग्जाम को देखें तो ये एक मेरिट ढूंढने वाली शानदार मुर्दा मशीन नजर आती है जो कैंडिडेट्स में बिना भेदभाव करे, बिना उनका बैकग्राउंड जाने ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन में से मोस्ट मेरिटोरियस को सिलेक्ट कर देती है। जहां तक IIT के लिए लगने वाले एंट्रेंस एग्जाम JEE का सवाल है, वो ठीक है, वो अपना काम करता है। लेकिन आपको पता है JEE की असली सक्सेस क्या है? IIT के लिए लगने वाले एग्जाम JEE से हमें लगता है कि ये बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट को सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में ये एक ऐसा एग्जाम है जो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहा, ये खाली एक जरिया है जिसके सारे हमें सोचने पर मजबूर किया जाता है कि इस एग्जाम के सारे मेरिटोरियस बच्चों को सिलेक्ट करते हैं।
और ये सबसे खतरनाक बात है। मेरिटोक्रेसी एक ऐसी दुनिया मानी जाती है जहां कोई भी सफल हो सकता है और एक ऐसी दुनिया जहां डिस्क्रिमिनेशन और बैरियर्स को हटा दिया गया है। आईआईटी के लिए लगने वाले एग्जाम जेडब्ल्यूई से हमें लगता है कि ये बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट को सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में ये एक ऐसा एग्जाम है जो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहा, ये खाली एक जरिया है जिसके सहारे हमें सोचने पर मजबूर किया जाता है कि इस एग्जाम के सहारे वो मेरिटोरियस बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, और ये सबसे खतरनाक बात है। मेरिटोक्रेसी एक ऐसी दुनिया मानी जाती है जहां कोई भी सफल हो सकता है, एक ऐसी दुनिया जहां डिस्क्रिमिनेशन को और बैरियर्स को हटा दिया गया हो। मेरिटोक्रेसी एक बेहतरीन आइडिया है, लेकिन जब मेरिटोक्रेसी के न होते हुए समाज ये सोचने लगे कि मेरिटोक्रेसी है, तब मेरिटोक्रेसी का आइडिया भारत जैसे समाज के लिए खतरनाक बन जाता है। क्योंकि मेरिटोक्रेसी का फंडामेंटल यही है कि जो सक्सेसफुल है वो सक्सेस डिजर्व करते हैं और जो फेल हो गए वो फेलियर को। बचपन से हमें ये सोचने के लिए ट्रेन किया जा रहा है कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में मेरिट जीतती है, जबकि पूरे भारत में कहीं भी मेरिटोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो सकता। ये कैसे हुआ नहीं पता, दे लेट्स गेट इनटू सम हिस्ट्री। आरक्षण का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है, लेकिन इस वीडियो में हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि कैसे अपर कास्ट के लोग कन्वीनियंटली ये भूल गए कि वास्तव में रिजर्वेशन किसके लिए था। 1930 में जब विभिन्न जातियों में बंटा समाज, धर्मों में बंटे समाज के लोग और संगठन अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे, उस दौरान अपर कास्ट हिंदूज ये क्लेम कर रहे थे कि वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अपर कास्ट हिंदूज उस वक्त कांग्रेस में थे और कांग्रेस उस वक्त नेशनलिस्ट मूवमेंट के सेंटर में। लेकिन उसी वक्त मुसलमानों ने अंग्रेजों को अच्छे से कन्विंस कर लिया कि अपर कास्ट के जो कांग्रेस लीडर्स है वो उनके भले की बात नहीं करते। दलितों के मामले में डॉक्टर अम्बेडकर सेम टू सेम यही चीज करने का प्रयास कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि अपर कास्ट हिंदू नेता दलित जो हजारों सालों से ओप्रेस थे उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते और न ही वो लीडर्स उनके भले की बात करते हैं। अब सोचो, मुसलमानों की तरह अगर दलित भी गांधी के नेतृत्व से बाहर निकल आए तो कांग्रेस के पास कितने ऐसे लोग बचेंगे जिनको गांधी या फिर कांग्रेस रिप्रेजेंट करती हो। डॉक्टर अम्बेडकर के इस आइडिया से गांधी के पेट में ज्वालामुखी फट गया और गांधी ने इसके विरोध में भूख हड़ताल कर दी। इस हड़ताल के आगे डॉक्टर अंबेडकर को झुकना पड़ा और परिणाम थे पूना पैक्ट हुआ। ये जो इस देश में रिजर्वेशन है, आरक्षण को लेकर जो भी हो रहा है, वो पूना पैक्ट का परिणाम है। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को सेपरेट इलेक्ट्रेट मिले, लेकिन एम के गांधी ने भूख हड़ताल कर डॉक्टर अंबेडकर को सेपरेट इलेक्ट्रेट की जगह दलितों को रिजर्वेशन देने की शर्त मानने के लिए मजबूर कर दिया गया। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के संविधान में इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन के राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। लेकिन जब संविधान सभी को इक्वली ट्रीट कर रहा है तो एससीज एंड एसटीज को मिले रिजर्वेशन के लिए स्पेसिफिक जो कॉम्प्रोमाइजेस किए गए थे उनका क्या? इसे संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) में मेंशन कर दिया गया और इन्हें 1975 तक एक्सेप्शन की तरह समझा जाने लगा। यानी ये आर्टिकल 1975 तक इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन के फंडामेंटल राइट्स के सापेक्ष एक्सेप्शन माने जाने लगे। लेकिन जब संविधान सभी को इक्वली ट्रीट कर रहा है तो एससीज एंड एसटीज को मिले रिजर्वेशन के लिए जो स्पेसिफिक कॉम्प्रोमाइजेस किए गए थे उनका क्या? इसे संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) में मेंशन कर दिया गया और इन्हें 1975 तक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट किया जाने लगा। यानी ये आर्टिकल 1975 तक इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन के फंडामेंटल राइट्स के सापेक्ष एक्सेप्शन माने जाने लगे। 1975 में स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस नाम से एक केस हुआ। इस केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि आर्टिकल 15(4) और 16(4) से एससीज एंड एसटीज को मिलने वाला आरक्षण एक्सेप्शन नहीं है और ये एससीज एंड एसटीज के फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर कहानी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये कह सकते हैं कि इन दो प्रोविजन से कास्ट सिस्टम को इंडिया से ऑफिशियली अबोलिश कर दिया गया, जिसके साथ सरकारें एससीज एंड एसटीज के लिए रिजर्वेशन देती है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सतीश देश पांडे कास्ट एंड कास्टलेसनेस टूवर्ड ए बायोग्राफी ऑफ द जनरल कैटेगरी नाम के अपने एक लेख में लिखते हैं कि भारत का संविधान रिजर्वेशन को एक्सेप्शन की तरह फ्रेम करता है, एक ऐसा एक्सेप्शन जो रियायत के तौर पर दलितों और आदिवासियों को दिया जा रहा है। शुरुआत में मॉडर्न इंडिया बनाने के लिए एससीज एंड एसटीज को लार्जर हिंदू वोटर बेस में मिलाया गया था, लेकिन बदले में एससीज एंड एसटीज को मिला एक कंसेशन, एक छूट या फिर एक रियायत, एक ऐसी छूट जिसके साथ एक बोनस भी मिला। और बोनस ये कि जब से रिजर्वेशन मिला है तब से अपर कास्ट के लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आरक्षण वाले मेरिट को डाइल्यूट कर रहे हैं। लेकिन इतिहास को छोड़ आते हैं एक जरूरी सवाल पर, भारत का संविधान अपर कास्ट जातियों के बारे में क्या कहता है? वेल नथिंग रियली, यानी कुछ खास नहीं। लीगली देखें तो ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिसके सहारे ये मापा जा सके कि किसी की जाति कितना सोर्स ऑफ एडवांटेजेस हो सकती है। लेकिन यहाँ पर यह पॉइंट याद रखना जरूरी है कि अपर कास्ट की जातियों ने हजारों सालों से जातिवाद से मिलने वाले फायदों के सारे कास्ट कैपिटल इकट्ठा किया है। जैसे ब्राह्मणों का हमेशा से पढ़ाई लिखाई पर कंट्रोल रहा तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी। वैश्यों और क्षेत्रियों के हाथ में जमीन और धन था,
तो उनके हाथ लगा देश का पूरा व्यापार। यानी जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो अपर कास्ट के हिंदुओं के पास जाति से मिले प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस थे। तो जब अंग्रेजों ने वेस्टर्नाइज एजुकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश किया तो उसका फायदा सबसे पहले उन अपर कास्ट हिंदूज को मिला जिनके पास प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस थे। अब ये फायदे पीढ़ी दर पीढ़ी अपर कास्ट हिंदुओं को मिलते रहे। इस तरीके से समय के साथ कास्ट कैपिटल मॉडर्न करेंसी में बदल गई, जिसे हम आज अपर कास्ट के लोगों की क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के रूप में देख सकते हैं। अब क्योंकि भारत का संविधान प्री एग्जिस्टिंग कास्ट एडवांटेजेस से अपर कास्ट को मिले फायदों को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो स्वतंत्र भारत में हर एक अपॉर्चुनिटी को अपर कास्ट के लोगों ने अपने आप को जनरल कास्ट का बताते हुए अच्छे से बनाया। ऊपर से ये कहा जाता रहा कि सब कुछ फेयर एंड ओपन कॉम्पिटिशन से हो रहा है, जबकि लोअर कास्ट के बच्चे लोअर कास्ट से आने की वजह से अपनी स्पेसिफिक कास्ट का नाम लेने से डरते रहे। ये एक ऐसी स्थिति है जो फंडामेंटली बहुत वियर्ड है। इस कंडीशन ने सच्चाई को लगातार दबाए रखा। 1990 तक ऐसे ही चलता रहा। मॉडल कमीशन आते ही स्थिति साफ नजर आने लगी, जब सरकार ने एससीज एंड एसटीज को मिलने वाले आरक्षण के अलावा ओबीसी को अलग से 27% कोटा बनाकर पब्लिक सेक्टर जॉब्स में आरक्षण देने की बात कही, और साथ ही ये भी कहा कि ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस ने दलितों की तरह जातिवाद का सामना तो नहीं किया लेकिन उन्हें सुधरा माना गया। अब चूंकि उन्हें सुधरा माना गया या फिर लोवेस्ट हिस्सा माना गया समाज का, तो इसलिए उनका शोषण भी हुआ। मंडल कमीशन से ओबीसी को मिले 27% आरक्षण के बाद टोटल 49.5% सीट्स रिजर्व हो गई थी। मंडल कमीशन की 3 शर्तें लगाने के बाद इंडिया में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए, और इन सब प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे अपर कास्ट हिंदूज। ऐसा इसलिए क्योंकि मंडल कमीशन से पहले खाली एससीज एंड एसटीज को मिलाकर 22.5% आरक्षण दिया जाता था और बाकी 77.5% सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए छोड़ी गई थी। मुझे लगता है अब आपको ये स्थिति साफ नजर आने लगी है। अब मैंने कुछ देर पहले आईआईटी मद्रास में 2018 में 256 अनरिजर्व सीट्स पर 255 अपर कास्ट कैंडिडेट के सिलेक्शन की बात कही थी, याद है? ये तो 2018 की बात है। आजादी से लेकर मंडल कमीशन के लागू होने तक 77.5% सीट्स सीधा अपर कास्ट हिंदूज के द्वारा भरी जाती थी। जब मंडल कमीशन से ओबीसी को आरक्षण दिया गया तो अपर कास्ट के हिंदूज जो मेरिट के नाम पर 77.5% सीट खाए जा रहा था, उन्होंने खतरनाक देशव्यापी प्रोटेस्ट करके रिएक्ट किया, क्योंकि मेरिट के नाम पर 77.5% सीट्स पर डाका डालने वाली अपर कास्ट से 27% सीट्स मंडल कमीशन ने छीन ली थी। जबकि मामला यह है कि फेयरनेस और मेरिट के नाम पर ये लोग अपनी कैटेगरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नाम मेरिट का ले रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं कि आईआईटी जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस में अनरिजर्व कैटेगरी में ये 50% सीट्स भारत का सवर्ण तबका जो टोटल पॉपुलेशन का मात्र 15% है वही बढ़ता आ रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अजंता सुब्रमण्यम ने आईआईटीज में जातिवाद पर एक किताब लिखी। उस किताब में प्रोफेसर अजंता एक एक्सेप्ट लिखते हुए बताते हैं कि आईआईटीज में अनरिजर्व कैटेगरी पर सिलेक्टेड कैंडिडेट के दिमाग में ये होता ही नहीं है कि अनरिजर्व कैटेगरी में कोई एससी एसटी या फिर ओबीसी से आने वाला कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकता है। वो कैंडिडेट ऑलरेडी अज्यूम करके रखते हैं या फिर ये धारणा बनी हुई है कि अनरिजर्व कैटेगरी यानी अपर कास्ट की कैटेगरी। एक के बाद एक सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाता है तो अपर कास्ट के स्टूडेंट्स उसे कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलिएट करते हैं, उसके कल्चरल बैकग्राउंड का उसके इंटेलिजेंस का मजाक उड़ाते हैं, कई बार तो उसे सोशली आइसोलेट भी कर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि अपर कास्ट के कैंडिडेट्स में ये भावना आई कहाँ से? अपर कास्ट के बच्चे अपने आप को जनरल मेरिटोरियस कास्टलेस कैसे मानते हैं? ऐसा इसलिए कि अपर कास्ट के लोग जेन्युइनली ये बात मानते हैं कि वो लोअर कास्ट को रिजर्वेशन दे रहे हैं। अपर कास्ट के लोगों का ऐसा मानना है कि वो कास्टलेस है और लोअर कास्ट को कंसेशन के रूप में उन्होंने आरक्षण दे रखा है, इसलिए वो ये सवाल करते रहते हैं कि आरक्षण का आधार गरीबी क्यों नहीं, यानी आरक्षण को इकोनॉमिक आधार पर क्यों नहीं दिया जा रहा। लेकिन रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। गरीबी मिटाने के लिए सरकारों ने कई अलग अलग प्रोग्राम चला रखे हैं। आरक्षण का मात्र मतलब इतना है कि जो सदियों से ओप्रेस्ड कम्युनिटीज है उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना, जिनको सिस्टमेटिकली सिस्टम से बाहर रखा गया हो उनको बोर्ड रूम में, न्यूज रूम में और कोर्ट रूम के पावर पोजिशन में पहुंचाना। लेकिन आप जाति को हल्के में नहीं लेकर एक्चुअल सोर्स ऑफ पावर समझेंगे तो आपको ये वास्तव में शोषण का हथियार समझ आएगा। तब आपको समझ में आएगा कि देश में जातिगत आरक्षण की क्या जरूरत है। एक बार आप समझ जाओगे तो आपके लिए अमीर दलित, अमीर ओबीसी, क्रिमिनल जैसे सवाल गौण हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप दान नहीं देते तब तक आपको पूछने की ये बिल्कुल जरूरत नहीं है कि लेने वाला आदमी गरीब है या नहीं। 2009 में एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई। उस स्टडी की फाइंडिंग्स में ये पता चला कि अपर कास्ट सरनेम वाले कैंडिडेट्स के इंटरव्यू में बुलाए जाने के चांसेस 2 गुना ज्यादा है विद कंपेयर टू ए कैंडिडेट हु हैज दलित सरनेम, जबकि उन दोनों कैंडिडेट्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड सेम है। इसी बीमारी को खत्म करने के लिए भारत के समाज में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब आप अपने आप से पूछिए कि क्या मेरिट को जाति खराब कर रही है?
क्या आपको नहीं लगता कि जातिगत भेदभाव मेरिट को डाइल्यूट कर रहा है? किसी एससीज या एसटीज के सक्सेस होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अब उसके साथ जातिगत भेदभाव नहीं होगा। हमारे सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल और डॉक्टर रितु सिंह के साथ हो रहे जातिगत भेदभाव के एग्जाम्पल है। हर एक दो दिन में आपको दलित दूल्हे को घोड़े से उतारे जाने की खबर मिल जाएगी। ऐसे अत्याचार जब होते हैं तो लोअर कास्ट के लोगों को जस्टिस नहीं मिलता, क्योंकि उनके लोग कोर्ट रूम में नहीं है, उनके लोग पावर पोजिशंस पर नहीं है। रिजर्वेशन का आइडिया, रिजर्वेशन ही वो उम्मीद थी जिसकी वजह से उनके थोड़े से लोग आज सिस्टम में आ पा रहे हैं। अगर एक बार ठीक ठाक संख्या में उनके लोग सिस्टम में आ जाएंगे तो जातिगत भेदभाव को आसानी से काउंटर किया जा सकेगा। जाते जाते एक और बात, कास्टलेसनेस और मेरिट का बोध कुछ नहीं है, खाली कई बार बोलने की वजह से लोगों ने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि अपर कास्ट की यंगर जनरेशन कास्टलेसनेस में बिलीव करती, लेकिन इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उनके पूर्वजों ने कास्ट कैपिटल से धन दौलत इकट्ठा किया था, जिसके सारे आज उनकी यंग जनरेशन कास्टलेसनेस की बात कर रही है। कम से कम इस जनरेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी बेनिफिट्स उन्हें फैमिली से मिल रहे हैं वो कास्ट कैपिटल की देन है। इस जनरेशन को ये याद रखना पड़ेगा कि उनमें जेनेटिकली ऐसा कुछ खास नहीं है जो उन्हें बेटर इंजीनियर बनाता हो। ब्राह्मण साथियों को ये याद रखना पड़ेगा कि उनमें कुछ खास ऐसा नहीं है जो उन्हें इंटेलेक्चुअल परस्यूट में बेटर बनाता हो। क्षेत्रीय साथियों को ये याद रखने की जरूरत है कि राजपूत जाति में जन्म लेने मात्र से कोई अच्छा योद्धा नहीं हो जाता। साथ ही ये जरूरी नहीं कि कोई बनिया घर में जन्मने के बाद कोई ऐसा बिजनेसमैन हो। अगर IIT के सिलेक्शन में अपर कास्ट का डोमिनेंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ मेरिट है, इसका मतलब ये है कि जातिवाद अभी भी जिंदा है और कास्ट कैपिटल अभी भी लोगों की लाइफ डिसाइड कर रही है। अगर इंडियन अपर कास्ट के लोग दुनिया की टॉप टेक कंपनीज में CEO बन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपर कास्ट जो है जेनेटिकली सुपीरियर है, इसका मतलब ये है कि उनके पुरखों से मिले कास्ट कैपिटल ने उनको ज़्यादा अवसर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध करवाई है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद। प्रेम बना रहे।